56 लाख रुपए के गबन के आरोप में पति पत्नी पर मुकदमा। शहडोल जिले के सीएमएचयू कार्यालय में 56 लाख रुपए के गबन के आरोपी पति पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। प्रभारी लेखपाल सत्येंद्र चक्रवर्ती और उनकी पत्नी एएनएम छाया चक्रवर्ती पर आरोप है कि उन्होंने पिछले 5 सालों से विभिन्न कर्मचारियों के वेतन और एरियर्स को कूटरचित कर अपने और अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर किया है। शहडोल जिले के सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ प्रभारी लेखपाल सत्येंद्र चक्रवर्ती और उनकी पत्नी एएनएम छाया चक्रवर्ती के खिलाफ शहडोल कोतवाली में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। सत्येंद्र चक्रवर्ती पर 56,32,862 रुपए की सरकारी राशि के गबन का आरोप है। इस मामले में कलेक्टर ने पहले ही सत्येंद्र चक्रवर्ती को सस्पेंड कर दिया था। प्रभारी लेखपाल सत्येंद्र चक्रवर्ती को नवंबर 2019 से सीएमएचओ कार्यालय में वेतन देयकों का प्रभार दिया गया था। उन्होंने कई कर्मचारियों के वेतन और एरियर्स को कूटरचित कर अपने और अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर कराए। रीवा कौशालय में जांच के दौरान इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इसके बाद रीवा कौशालय की 3 सदस्यीय टीम ने पूरे देयकों की जांच की तो 56 लाख से अधिक का गबन पाया गया। सीएमएचओ शहडोल ने कोतवाली शहडोल में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर प्रभारी लेखपाल सत्येंद्र चक्रवर्ती और उनकी पत्नी एएनएम छाया चक्रवर्ती के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। सीएमएचओ श्री एके लाल द्वारा थाना कोतवाली में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया कि 3 सदस्यीय कमेटी ने एक जांच की, जिस पर उनके द्वारा पाया गया कि सत्येंद्र चक्रवर्ती जो रिकॉर्ड कीपर का कार्य करता है और उसकी पत्नी छाया चक्रवर्ती द्वारा अस्पताल के जो विभिन्न कर्मचारियों के एचआरए, उनके एरियर्स, उनके सेवानिवृत्ति के उपरांत जो अंतिम भुगतान किए जाने की राशि में कुछ गबन करके अपने खातों में ट्रांसफ़र किए, इस प्रकार कुल उनके द्वारा 56,32,000 रुपये करीब का घोटाला किया गया और अपने खातों में अवैध रूप से उसको स्थानांतरित ट्रांसफ़र किया गया। इस पर से दोनों पति पत्नी के विरुद्ध 420 का अपराध थाना कोतवाली पंजीबद्ध किया गया। अभी अपराध की विवेचना जारी है। दोनों अपराध से संबंधित दस्तावेजों के लिए जानकारी प्राप्त की जाए।